अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के शाही दही बड़े, जो के बनते हैं गोश्त और दाल से। दैट इज़ टोटली डिफरेंट रेसिपी। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द रेसिपी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड वानिया बयान आया। कैसे हैं आप सब लोग, होपफुली ठीक होंगे। आपके घर में भी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आए हैं आपके साथ सामने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर, जो कि आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और आई थिंक किसी वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी। वो है आज जो रेसिपी है, वो है शाही दही भल्ले। शाही दही भल्ले में आप कहेंगे दही भल्लों में गोश्त का क्या काम, शाही भल्लों में गोश्त का क्या काम। आज हम आपको बताते हैं कि गोश्त भल्ले कैसे बनते हैं। तो गोश्त के भल्ले बनाने के लिए, शाही भल्ले बनाने के लिए आपको, मैंने इधर 1 kg गोश्त लिया है, जो कि इसका मैंने बोनलेस गोश्त को 1 kg को ऐसे बोटी में कटवा लिया है। 1 cup ये चने की दाल है, जिसको मैंने रात को भिगो दिया था, ये डबल होकर इतनी हो गई है, ये 1 cup है। उसके अलावा मैंने इधर लिया है स्पाइसेस में ज़ीरा 2 बड़े चम्मच, टेबल स्पून, 2 से 3 बड़े चम्मच ये साबुत लाल मिर्चें, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अब मैं एक पैन में, देगची में आपने इस गोश्त को डालना है, 1 kg गोश्त, और इसके साथ जो स्पाइसेस मैंने आपको भी बताए हैं, साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और नमक, ये तीनों मैं इसमें डालूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी 1 लीटर, मैं गोश्त को ढक्कन लगाकर 20 से 30 मिनट, जितनी देर में आपका गोश्त गल जाए, आधा कुक हो जाए, इसको कुक होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड करूंगी, क्योंकि दाल ऑलरेडी सोक हुई हुई है, उसको 10 मिनट हार्डली लगेंगे गलने में। उससे पहले मैं इसको गोश्त को ऑलमोस्ट 70% डन कर लूंगी। यहाँ पे हमारा गोश्त 70% तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें जो दाल भिगो के ऑलरेडी रखी हुई है ओवरनाइट की, 1 cup, वो ऐड करेंगे और दोबारा इसको गलने के लिए रख देंगे, जब तक कि हमारी दाल प्रॉपरली पूरी नहीं गल जाती। तो हम इसके गलने चूल्हा जला के इसको तकरीबन 1/2 hour में या 20 मिनट्स में आपकी दाल ये प्रॉपरली गल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको दाल गलने के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। तो इधर हमारा गोश्त और दाल का मिक्सचर तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, गोश्त और दाल प्रॉपरली गल चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसको चॉपर में चॉप करूँ। अब हम जो दही भल्लों के लिए हमने गोश्त और दाल का मिक्सचर तैयार किया है, उसको चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गड्डी हरे धनिए की, अच्छी बड़ी वाली गड्डी, साथ ही पुदीना, 1 bunch पुदीने का, 1 गड्डी पुदीने की, और 5 से 6 हरी मिर्चें, इनको पहले मैं चॉप करूँगी। जब ये थोड़े से चॉप हो जाएंगी, बारीक हो जाएंगी, फिर मैं इसमें गोश्त और दाल का मिक्सचर ऐड करके उसको चॉप करूँगी। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें चॉप कर ली, अब इसमें मैं गोश्त का जो मिक्सचर तैयार किया है वो ऐड करके इसको चॉप करूँगी। बिल्कुल यहाँ पे हमारा मिक्सचर, मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसकी मैं टिक्कियाँ बना लूँगी, जैसे आप शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाते हैं, इस तरह भल्लों के लिए बड़े बनाएंगे हम। तो ये देखें, इसको एक दफ़ा मैं आई विल गिव इट अ गुड मिक्स, कि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ एक दफ़ा, और उसके बाद हम इसके बड़े बनाना शुरू करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने मिक्सचर को लिया है हाथ में, इसको मैं अच्छी तरह हाथ में दबा कर प्रेस कर इसका भल्ला बनाऊंगी इस शेप में, और इस तरह से मैं सारे के सारे भल्ले तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह आपने चारों साइडों से इसे दबा के प्रेस करके बनाना है, ताकि ये मिक्सचर जो भल्ला है वो टूटे ना। इस तरह से इस शेप में आपने सारे भड़े तैयार कर लेने हैं।
शाही बड़े बन रहे हैं, ये कोई आम बड़े नहीं है। यहाँ पे हमारे सारे बड़े रेडी हैं। अब मैं इसकी कोटिंग तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप बेसन लिया है। इनको कोट करने के लिए 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून ही मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी भून कर क्रश करके रखा गया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, जैस दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप इसमें सॉल्ट स्किप भी कर सकते हो मिर्चें, अगर आपने कम नमक मिर्चों के साथ इसको बनाना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। पानी के साथ मैं इसका एक थिक सा बैटर बना लूँगी, जिससे प्रॉपरली ये जिसमें मैं ये प्रॉपरली बड़े कोट कर सकूँ, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसको मिक्स करके, बैटर रेडी करके, इसमें बड़े एक एक करके मैं डिप करूंगी और इनको डीप फ्राई। हमारा बैटर इस थिकनेस का होना चाहिए, इस तरह से रनी होना चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके बड़े डिप करेंगे, कोटिंग करेंगे बेसन की। इसको हम डिप कर रहे हैं अब इसमें, और इस तरह से हम एक एक करके सारे बड़े बेसन में डिप करके कोटिंग करके बेसन की फ्राई करते जाएंगे। आपने इसकी कोटिंग स्पून की हेल्प से करनी है, हाथ नहीं टच करना। हाथ से टच करके आप इसको बनाएंगे तो इस पे से कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। आप इसको स्पून के साथ ही कोट करें बेसन में डालकर, और साथ ही स्पून से ही, स्पून की ही हेल्प से इसको डाल दें, ताकि इस पे प्रॉपर बेसन की कोटिंग हो और प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर आए बेसन का। सो बहुत ही आला किस्म के इस वक्त बड़े तैयार हो रहे हैं, और मैंने इधर अपनी चाय भी बनने रख दी है साथ ही, ताकि जैसे ही बड़े तैयार हों हम इसको चाय के साथ एंजॉय करें। आज हम शूट करके सुबह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं अब, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का डे बहुत ही प्रोडक्टिव गुजरा है। हमने 4-5 रेसिपीज़ शूट की हैं, बहुत ही मज़े मज़े की, जो कि बहुत जल्द आपके पास आने वाली हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर यमी रेसिपीज़। ये हमारे बड़े यहाँ पे तैयार होने पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के असेंबलिंग की तरफ चलूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं इस पे ऑयल डाल डाल के इसको ऊपर से भी गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ अच्छी तरह से। हमने इधर 1 किलो दही ले लिया है। हम दही भल्लों की अब असेंबलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैंने अच्छी तरह विस्क के साथ बीट कर लिया है, दही को बीट मतलब फेंट लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून चाट मसाले का ऐड करूंगी। सिर्फ चाट मसाला इसमें ऐड करना है, और बाकी जो चटनियाँ हैं जो मैं इसमें ऊपर से सर्व करूँगी, उसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। उसका लिंक तीनों रेसिपीज़ का, पुदीने की, हरे धनिए की, इमली की खट्टी मीठी चटनी, सारी मैंने आपको सिखाई हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नीचे, तो आप वो वहाँ से चटनियों का की वीडियो भी देख सकते हैं। और ये होने जा रहे हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार शाही भड़े तैयार होने, असेंबलिंग प्लेटर तैयार होने, इसकी असेंबलिंग होने। आई कैन गारंटी यू कि आप ये बना के जब अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो दे विल से आला। अब इसके ऊपर ये जो दही हमने बीट करके रखा था वो डालेंगे ऐसे, अच्छी तरह से इसमें, ताकि ये डिप हो जाए। दही बहुत पतला नहीं लेना आपने, थोड़ा थिक फॉर्म में दही लेना है। के ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ओ ये ज़्यादा डल गया, होता है कभी कभी ऐसा, सबके साथ होता है। अब मैं इस पे ये हरी चटनी डाल रही हूँ,
और ये चटनियाँ आप साथ में इंडिविजुअली सर्व करते हुए भी रख सकते हैं अगर किसी ने एक्स्ट्रा ऐड करनी है। जैसे हम लोग चटकोरे हैं तो हम इसमें इमली की चटनी ज़्यादा डाल के खाते हैं। यहाँ पर हम ये इमली की चटनी इस पर डाल रहे हैं और हमारे यहाँ पर शाही बड़े तैयार हैं। अब फाइनली इसको खाने की स्टेज आ गई है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी गिव अ बिग थम अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब यहाँ पे ये मैं ट्राई करने लगी हूँ कि ये कैसे बने हैं। सो यहाँ पे मैंने एक बड़ा निकाला और उस पर खूब सारा दही डाला और अब मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ। सो लेट्स ईट इट। बहुत मज़े के बने हैं। लिटरली आप ये जब बनाएंगे आपको तभी पता लगेगा कि कितने मज़े के बने। सो अंटिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो।